हम जो नया एजुकेशन पॉलिसी का मांग कर रहे हैं वो प्रो स्टूडेंट होना चाहिए, जिसमें कॉर्पोरेशंस का, जिसमें किसी भी तरह का फैसेफनाइजिंग एजेंट्स का, मतलब वो RSS हो, BJP हो, जिसका भी हो, उन लोगों का जो आइडियोलॉजी है उसका कोई छाप ना रहा है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर्सेस स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारी भारत देश की एक बहुत्वता की ये डिवाइड कर रहा है। पर्टिकुलरली ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कर्नाटक में बहुत हड़बड़ी में लागू किया गया था 2021 में, वो कैसे एक एंटी स्टूडेंट, एंटी पीपल, प्रो कॉर्पोरेट एजुकेशन पॉलिसी है। कंडीशंस, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स फेसिंग द स्टेट, देन इट इज फाइन। इट विल टेक अनदर 20 years, 10 years, 20 years फॉर देम टू इंप्लीमेंट। बट इमीडिएट थिंग इज अनडू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनिशिएटिव्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड द सेकंड पॉइंट स्टॉप कर्ब privatization and commercialization, that is immediate. अभी का जो existing जो education system है इसमें बहुत सारे खामियाँ हैं, but आज हम All India Students Association के तरफ से एक state level convention का आयोजन किए थे, जिसमें कर्नाटक के दूसरे दूसरे district से भी बच्चे, मतलब student लोग जो हमारे comrades हैं वो लोग जुड़े थे। तो यहाँ हम लोग यही, ये एक public consultation का जैसा था, जहाँ हम लोग students, teachers, पेरेंट्स सब लोगों से ये जानना चाह रहे थे कि आइडियल स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, जो एक प्रो स्टेट, प्रो स्टूडेंट एजुकेशन पॉलिसी हो, वो कैसा होना चाहिए। इस प्रोग्राम में हमारे 3 स्पीकर्स थे, निरंजन आराध्या, अक्काई पद्माशाली, जो दोनों ही कर्नाटक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं, और एक मेंबर तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी से प्रोफेसर जवाहर नेसन, वो भी जुड़े थे। इन तीनों लोगों से हम ये सुने कैसे अभी का जो एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत सारे खामियां हैं, पर्टिकुलरली ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कर्नाटक में बहुत हड़बड़ी में लागू किया गया था 2021 में, वो कैसे एक एंटी स्टूडेंट, एंटी पीपल, प्रो कॉर्पोरेट एजुकेशन पॉलिसी है, और हम जो नया एजुकेशन पॉलिसी का मांग कर रहे हैं वो प्रो स्टूडेंट होना चाहिए, जिसमें कॉर्पोरेशंस का, जिसमें किसी भी तरह का फैसेफनाइजिंग एजेंट्स का, मतलब वो RSS हो, BJP हो, जिसका भी हो, उन लोगों का जो आइडियोलॉजी है उसका कोई छाप ना रहा है। In today's meeting, the agenda of the meeting is people are now skeptical of the State Education Policy A-Level Committee, and they wanted to ensure before the committee comes out with recommendations, they wanted to ensure that it is for the people of Karnataka, and decommercialize, deprivatize, and make education affordable, inclusive for all. That is the theme of the conference. And they wanted to reiterate it and pressurize the governance and also the State Education Policy Commission to take into account. Otherwise, sometimes they come out with a recommendation, and if it is not meeting this, then people will be fighting for it again, agitating against it. So instead, they are trying to, you know, sensitize and make aware of that the State Education Policy should not make a mistake. And that is the message today. And also the government should take note of the national education policy in various forms it is infiltrating into Karnataka state, already been implemented, that should be stopped. Ye national education policy versus state education policy, national education policy hai wo hamari Bharat desh ki ek bahutvata ki ye divide kar raha hai. So state education policy humne ये बनाया, ये सरकार ने बनाया, वो सर्वजनांग की शांति की तोट बनाया, इस तोट में ये शैक्षणिक नीति है, वो नीति आपको स्टेट एजुकेशन पॉलिसी हम बोल रहे हैं। इस स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बारे में हमारा दलितों, महिलाओं, लैंगिक अल्पसंख्यातों एंड मेनी अदर मार्जिनल ग्रुप्स, इतनी साल और इतनी दशक और इतनी शतमान से क्या क्या अन्याय होगा, वो अन्याय अभी हम ब्रिंग इट बैक। But in the name of gender, sexuality, constant discrimination, वो structural discrimination होता था, अभी भी हो रहा है। So इसके लिए क्या करने के लिए, so I think this platform, what this this ASIF, the platform that has been here, in this platform you are able to come together to discuss the importance of education. वो state education policy क्या बोल रहा है, I think in the next couple of days we'll be going to release the report through the state education policy is concerned, through the commission. I think the whole state is looking forward in this concern. As sexual minorities, it's our urge the special preference should be given to this community, but state education policy will include
many voices, many people, many backgrounds of communities.